हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और वर्ल्ड की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड मतलब एमएस वर्ल्ड की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉन्ट जो कि होम टैब में है। ये सब अलग अलग टैब है, ठीक है। इसमें एक होम टैब है, इसमें क्या है, फॉन्ट। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमएस वर्ल्ड एक एमएस ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अलग से नहीं आता है मार्केट में, तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस वर्ल्ड क्या होता है दोस्तों, देखिए ये आपका सभी तरह का लेटर टाइपिंग, ठीक है, या फिर कोई मैसेज टाइपिंग, ऐसे कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपका ये जो हमने ओपन किया है, ये एक इंटरफेस है एमएस वर्ल्ड का, ठीक है। ऐसे ही एक पेज आपका ओपन होगा जब आप एमएस वर्ल्ड ओपन करेंगे, पर वो पेज ब्लैंक रहेगा, उस पर लिखा नहीं रहेगा, इसमें हमने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपका ये होम टैब का ये इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट और पैराग्राफ, ये दो चीज आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि ये दो चीज होती क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये पैराग्राफ यहाँ लिख लिया है, क्या लिख लिया, विंडो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प, ठीक है। ऐसे ही एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि आपको इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, चेंजेस करने को वर्ड में फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो चेंजेस अब जो करना है या फॉर्मेटिंग जो करनी है वो कहाँ से होगी, आपकी यहाँ से होगी, टैब से, होम टैब, पैराग्राफ। होम टैब में ये है आपका फॉन्ट, फॉन्ट के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्टाइल, उसके बाद एडिटिंग, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट में क्या क्या आता है, ये आता है फॉन्ट, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो आपका लिखा है इस समय बाय डिफॉल्ट कैलिबरी बॉडी में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहां से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, यहां से भी चेंज हो सकता है फॉन्ट साइज, यहां से भी चेंज हो सकता है फॉन्ट साइज। ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा आपको दोस्तों, ये आपका केस चेंज करेगा। चार प्रकार के केस होते हैं, अपर केस जिसमें जितना आप लिखे हैं ये सब कैपिटल में हो जाएगा, लोअर केस सब स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। अपर केस लोअर केस आपका हो जाएगा सेंटेंस केस, सेंटेंस केस मतलब जिसमें लिखा है नॉर्मली पहला अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, फिर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल, फिर स्मॉल, ठीक है। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब होता है जितना भी हमारा सिलेक्टेड है उसमें जो भी वर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, पहला लेटर, ईच वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और टॉगल, टॉगल मतलब होता है जो भी हमने अप्लाई किया है इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने कहा कि हमें इनकी सबकी फॉन्ट चेंज करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पे आए। अब देखिए जो फॉन्ट हम चेंज कर रहे हैं, देखिए वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एरियल ब्लैक, हमने कहा एरियल ब्लैक रहेगा, ठीक है। एक चीज और दोस्तों, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको वो सब्जेक्ट या वो पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो फॉर्मेटिंग वहां अप्लाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, फॉन्ट चेंज कर दिया, हमने कहा कि साइज हमें चेंज करना है सिर्फ इस पैराग्राफ की, सेकंड पैराग्राफ की, सेकंड पैराग्राफ की हम साइज चेंज कर देंगे। देखिए सिर्फ सेकंड पैराग्राफ की साइज चेंज हुई है, क्यों, क्योंकि हमने सेलेक्ट क्या किया था, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों। आइए अब हमने क्या कहा था, ये भी वही काम करता है, इंक्रीज ये डिक्रीज। देखिए दोस्तों यहां से आप जब इंक्रीज करेंगे तो आपको नंबर पता होना चाहिए कि आपको कौन से नंबर पे चेंजेस करने हैं, 20, 22, 24, तो आप यहां से जाके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पर यहां से क्या होगा, आपको नंबरिंग नहीं दी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर यहां से कहता है तो आपको नंबर तब भी बताएगा, कहेगा 22, पर यहां से स्टेप बाय स्टेप होगा, 18, 20, 22, 24, 36, यहां से स्टेप बाय स्टेप कम होगा, ठीक है।
और यहां से क्या होगा, आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये क्या है बोल्ड। बोल्ड मतलब आपका पूरा ये जो लिखा है कंटेंट, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका पहले हम फॉन्ट चेंज कर दें ताकि बोल्ड होने पे आप लोगों को डिफरेंस पता चले। फॉन्ट इसका हम ये कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब फॉन्ट फिर चेंज हो गया। अब बोल्ड करते हैं, बोल्ड हम करते हैं पहला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ हम देखिए, अब बोल्ड करने के लिए या तो आप यहां क्लिक करिए या शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, तो हमने कंट्रोल बी प्रेस किया। देखिए बोल्ड हो गया, मतलब डार्क हो गया, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, बोल्ड इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा जो लिखा है। आइए उसको हम लोग थर्ड पैराग्राफ में यूज करते हैं, यहां से करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इटैलिक का होता है दोस्तों, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। ठीक है, और ये होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, जो भी लिखा है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए, अब इसके नीचे अंडरलाइन करना है, इसमें आपको अंडरलाइन मिलेगा, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, मतलब बोल्ड अंडरलाइन थिक, या डॉटेड, या ये भी डॉटेड है, डैश कह लीजिए, ये है आपका डॉट डैश दोनों मिला के। ठीक है, ये है डॉट डैश डैश। ठीक है, ये आपका वेव है, तो ऐसे आपको जो भी करना है, हमने कहा हमें वेव लगाना है, हम वेव लगा देंगे। इसको करने के लिए आपको यहाँ पे छोटा सा जो ये एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने क्या क्या कर लिया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, फॉन्ट साइज चेंज कर लिया और फॉन्ट चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं देखते हैं स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जो लिखा है वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू कैसे होता है, जो भी हमें काटना है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमारा ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये कट गया। देखिए जो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था वो पैराग्राफ क्या हुआ हमारा, वो पैराग्राफ हमारा कट गया है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्राइक थ्रू हमने अप्लाई कर दिया। अब आपका ये देखिए दिया है, एक तो ये दिया है सुपर स्क्रिप्ट, ये दिया सबस्क्रिप्ट। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, हमें लिखना है मान लीजिए 18 डिग्री, तो ये 180 हो गया। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और डिग्री कहाँ रहती है, ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 18 डिग्री। अगर आपको इसको नीचे लिखना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ वाले पे क्लिक कर देंगे, तो यही काम होता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर लिखते हैं 2 की पावर 2, तो अब ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा वाला 2 सेलेक्ट करिए और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। मान लीजिए हम लिख दिए H2O। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया H2O। ठीक है, अब 2 कहाँ रहता है दोस्तों, 2 नीचे रहता है, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे और ये कर देंगे, तो आपका H2O हो गया। ठीक है, तो यही काम है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। ये आपका क्या करता है दोस्तों, ये आपका कलर फिल करता है, टेक्स्ट कलर, और ये आपका क्या होता है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट मतलब जो हम लिख रहे हैं ये फॉन्ट है, इसका कलर चेंज कर देगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और हमने फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लिया रेड, तो अब जो भी लिखेंगे वो किस में लिखेगा, रेड में। देखिए, ठीक है, अब जो भी हम लिख रहे हैं वो रेड में लिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको चेंज जब तक नहीं करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, आप पूरे में लिखते रहिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फोर्थ पैराग्राफ पे सेलेक्ट किया और हम इस पे आ जाते हैं, किस पे, टेक्स्ट कलर, हाइलाइटर पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। जैसा कि आप लोग पहले बुक में हाइलाइटर आता था तो लोग उसको हाईलाइट कर लेते थे, या पेन से अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट चीज, तो ये भी वही काम करता है, इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,
ये आपका क्या करता है, आइए देख लेते हैं कि चेंज केस करता क्या है। ठीक है, पहले सबको हम पहले की तरह नॉर्मल कर लेते हैं। उसको करने के लिए आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, या फिर आप ये करेंगे क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई थी वो सब क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको करके ठीक है हट गया दोस्तों। ठीक है, आइए हमने क्या कहा था, चेंज केस बता देते हैं। चेंज केस बताने के लिए पहले थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे, कंट्रोल बी और फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखिए चेंज केस में क्या है, 1 2 3 4 5 है। आइए पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, इस पे हम लगा देते हैं सेंटेंस केस। तो हमने बताया था सेंटेंस केस में ही नॉर्मली आपका सब लिखा रहता है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, लोअर केस। तो देखिए जितना भी आपका लिखा था वो किसमें हो गया, सब स्मॉल अल्फाबेट में। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, अपर केस। तो जितना भी आपका लिखा था थर्ड पैराग्राफ में सब क्या हो गया, कैपिटल हो गया। फोर्थ पैराग्राफ हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कर देंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो देखिए कैपिटलाइज मतलब जितना भी आपका लिखा है वर्ड उसका जितना भी पहला लेटर है वो क्या हो गया, कैपिटल। और जब टॉगल करेंगे ना तो टॉगल इसी का उल्टा कर देगा, देखिए टॉगल। अब जो पहला वर्ड अभी तक कैपिटल था वो क्या हो गया, पहला वर्ड स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज इसमें बच गई है, वो क्या है आपका, ये टेक्स्ट इफेक्ट टोपोलॉजी। अब ये क्या काम करता है, मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के अलग अलग इफेक्ट दिए हैं। ठीक है, आप जो भी टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप आउटलाइन अलग अलग कलर की दे सकते हैं, शेडो बता सकते हैं, बाहर चाहिए कि अंदर चाहिए कि आपको उसके पीछे चाहिए। ठीक है, देखिए हमने जो अप्लाई किया टेक्स्ट के नीचे, देखिए आपका शेडो आ गया। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीख लिया, फॉन्ट के फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इरेज, ऑल फॉर्मेटिंग, सेंटेंस केस, टॉगल केस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।